सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के बयान ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल जैक डोर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। डोर्सी ने दावा किया है कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई। वहीं डोर्सी के इस बयान के बाद मोदी सरकार के नेताओं की सफाई आनी शुरू हो गई है, जबकि विपक्ष मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। किसान आंदोलन वो ठीक नहीं था, मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। भारत सरकार ने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है। माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उसका जवाब दिया है। ये कौन है जैक डोर्सी जिनको ट्विटर ने खुद ही निकाल दिया? उनका पूरी सोच भारत के खिलाफ की थी। ये किसानों का मामला क्या है? जब लाल किले पर किसान आंदोलन के समय बहुत से अतिवादी लोग चढ़ गए, याद होगा तिरंगा को उन्होंने उतार दिया था, अपना झंडा लहराया था, बहुत से पुलिस वालों को पीट के नीचे फेंक दिया था, तब सरकार ने कहा कि ये क्या दिखा रहे हैं ट्विटर पर आप, ये तो भारत, लाल किला भारत के संप्रभुता का प्रतीक है, वहां तिरंगा फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो इसका प्रोटेस्ट जरूर किया गया था और करना भी चाहिए। आप जो हैं कैपिटल पर हमला होता है अमेरिका में तो आप उनका ट्विटर बंद कर देते हैं, और यहां जो आतंकवादी भारत के तिरंगे का अपमान करके उसको लहरा रहे थे, पुलिस के लोगों को पीट रहे थे, उसको आप बोलने की आजादी की बात करते हैं? महिलाओं के खिलाफ जब कोई ट्विटर पर अत्याचार होता था कोई सुनवाई का स्थान नहीं था, हमने कहा आपको देना चाहिए। और तीसरी बात, कई बार सरहद के पार से अनवेरीफाइड अकाउंट से भारत के आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता था, हमने कहा क्या कर रहे हैं आप, और ये लोग अमेरिकन कांग्रेस के सामने पेश होंगे, हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड में पेश होंगे, ये भारत की संसद की कमेटी बुलाएगी तो हम नहीं आएंगे, ये तो ठीक नहीं था ना। तो ये बातें कही गई, कांग्रेस काफी अटैकिंग मोड में आ गई है। अगर कांग्रेस पार्टी को ट्विटर के हटाए गए सीईओ पर ही अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो फिर मैं क्या कहूंगा। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत की संप्रभुता, तिरंगे का सम्मान और लाल किले के सम्मान के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।